नमस्कार मित्रों, मैं हितेश 24 फिट क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो पेट के कैंसर की थोड़ी जानकारी दूंगा। पेट के कैंसर में हमें कौन सी दिक्कत आती है, पेट का कैंसर होता है किस वजह से और उसका निदान क्या है, आपके डॉक्टर आपको अगर बताते हैं तो उसका क्या निदान करना है हमें, तो पूरी जानकारी आज आपको कैंसर से जो जुड़ी हुई है मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दें। दोस्तों, जो पेट का कैंसर है जिसे हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं, पेट के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। यह अधिकांश दुनिया में पेट के कैंसर में मुख्य भाग में पेट या शरीर का पेट का भाग रहता है। दोस्तों, पेट का जो कैंसर है अन्य कैंसरों से लगभग अलग होता है। पेट में हो सकता है जैसे कोलना या रेक्टस, बड़ी आंत का, लीवर का, अग्नाशय का, छोटी आंत का कैंसर। इन कैंसरों में लगभग लक्षण अलग अलग, दृष्टिकोण और अलग अलग उपचार हो सकते हैं। तो पेट के कैंसर में कई वर्षों में धीरे धीरे विकसित होता है। एक सच्चे कैंसर की विकसित होने की पहले पेट की अंदरूनी परत यानी म्यूकोसा के में अक्सर पूर्व कैंसर परिवर्तित होता है। यह शुरुआती परिवर्तन शायद ही किसी लक्षण पैदा करते हैं, इसलिए इसको अक्सर ज्ञात नहीं होता है। दोस्तों, यह बहुत बढ़ जाने के बाद ही इसकी पता चलता है। पेट के अधिकांश कैंसर है इसमें लगभग 90-95% एडेनोकार्सिनोमा है। यह कैंसर पेट की अंदरूनी परत म्यूकोसा के ग्रंथि की कोशिकाओं को विकसित करते होते हैं। यदि आपको बताया जाता है कि आपके पेट का कैंसर है या गैस्ट्रिक कैंसर है तो लगभग आप हमेशा यह एडेनोकार्सिनोमा होगा। पेट के एडेनोकार्सिनोमा के मुख्य दो प्रकार हैं। आंतों के प्रकार में थोड़ा बेहतर पूर्वमान दृष्टिकोण होता है जिसमें कैंसर के कोशिकाओं को कुछ जीवन परिवर्तन होने की अधिकांश संभावना होती है जो लक्षित दवा चिकित्सा के साथ उपचार की अनुमति दे सकती है। और दूसरा है फैलाना प्रकार, यानी अधिक तेजी से फैलता है। यह आंतों के प्रकार से कम आम है और इसका इलाज करना कठिन हो जाता है। इसका जो फैलाव है बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है और वो आपके पेट में बहुत ही आपके हाथों को एकदम चपोड़ लेता है। तो इसका जो फैलाव है बहुत फास्ट होता है। आगे बात करें तो पेट के कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो NCI अनुमान के आमतौर पर पेट के कैंसर के कोई शुरुआती लक्षण नहीं दिखते। दुर्भाग्य से इसका मतलब यह है कि आपके जो अक्सर यह नहीं जान सकते कि हमारे शरीर में कैंसर की उपस्थिति हो गई है और वह कौन से लेवल पे है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो कैंसर है कुछ उसके सामान्य लक्षण अगर हमें देखने को मिले तो उसमें आपको बीमारी में उल्टी हो सकती है, बार बार आपको नाराजगी हो सकती है, भूख की कमी हो सकती है, कभी कभी अचानक आपका वजन बिगड़ सकता है, भूख में कमी हो सकती है, लगातार आपका सूजन आ सकती है, जल्दी ही तृप्ति यानी कि आपका खाने के जो खा रहे हैं उसमें जल्दी आपको संतोष मिल जाता है, मल में आपको खून आने की भी संभावना हो सकती है, पीलिया भी हो सकता है, अत्यधिक आपको थकान हो सकती है, पेट दर्द और ज्यादातर खाने के बाद उसका बढ़ावा हो सकता है पेट दर्द का। यह उसके मूल लक्षण पाए जाते हैं जो अगर हमें पेट का जो कैंसर अगर होता है वह तो यह लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, निदान करने के लिए आपका डॉक्टर किसी भी असामान्यताओं की जांच के लिए आपको पहले शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। उसमें आपको VH पाइलोरिया बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए यह परीक्षण सहित रक्त परीक्षण का आदेश भी दे सकते हैं। यानी अगर आपको उनको लग रहा है कि आपको कैंसर की संभावना है तो उसमें आपका पाइलोरिया बैक्टीरिया की उपस्थिति का वह रक्त परीक्षण करेंगे। अगर आपके डॉक्टर आप जान मानते हैं कि आपके अंदर कैंसर है तो आपके पेट के लक्षण दिखते हैं। अधिकांश नैदानिक परीक्षण के आवश्यकता होगी। नैदानिक परीक्षण में रूप में अगर आप देखें तो अन्न प्रणाली के संदर्भ में ट्यूमर और अन्य असामान्य तुलना हो सकती है। इन परीक्षणों में
में शामिल हो सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो परीक्षण है उसमें आपको हो सकते हैं। इसमें है आपको एंडोस्कोपी भी किया जा सकता है, बायोप्सी भी ली जा सकती है और साथ में आपको इमेजिंग परीक्षण एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपको यह सिम्टम्स लग रहे हैं तो वह यह परीक्षण करवा सकते हैं, तो बेझिझक आप यह परीक्षण 100% करवाए। और जबकि आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में अगर यह आपको मालूम पड़ता है तो उसका उपचार बहुत ही आसान हो जाता है। और दोस्तों अगर यह थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में अगर चला जाता है तो इसका निदान जो करना बहुत ही मुश्किल होता है और दोस्तों इसमें बचना बहुत ही असंभव हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यह अगर आपको इसी किसी भी प्रकार के सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो दोस्तों आप तुरंत ही आपके जो फैमिली डॉक्टर है उसका संपर्क करें और वह करने से आपके जो प्रारंभिक जो कैंसर की बीमारी है उसका तुरंत ही आप निदान करवा सकते हैं और आप कैंसर के यह बड़ी रोग से आप बच सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरा यह वीडियो जो कैंसर जो पेट का कैंसर से जुड़ा हुआ था यह मेरा सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं को ज्यादातर देखा जाता है उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वह क्यों होता है, उसका निदान किस प्रकार किया जाता है और कौन सी वय की महिलाओं में यह ज्यादातर पाया जाता है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको कल मेरे आने वाले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों कल के लिए थैंक यू वेरी मच, कल मेरा यह वीडियो देखना ना भूले। तो दोस्तों थर्ड पार्ट में कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूरा जानकारी होगी। दोस्तों बाय बाय।